चेहरे से नहीं, शरीर के इस हिस्से से पता चलती है पुरुषों की इंटेलिजेंस। अब तक यह माना जाता है कि पुरुषों का चौड़ा माथा बुद्धिमानी का संकेत होता है, लेकिन मिसौरी अमेरिका के साइकियाट्रिस्ट डॉ. एकाराकुडी एलियास की 40 साल से भी ज्यादा की रिसर्च कुछ और ही कहती है। उनका दावा है कि पुरुषों की छाती के बाल देखकर उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉ. एलियास ने अपनी कई रिसर्च में देखा कि हायर स्टडी करने वाले और ऊंची रैंक लाने वाले पुरुषों की छाती पर ज्यादा बाल होने की संभावना होती है। पुरुषों की छाती पर बाल होंगे या नहीं या कितने होंगे, यह आनुवंशिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अक्लमंदी विरासत में भी मिलती है। पुरुषों के शरीर पर बाल और उनकी इंटेलिजेंस के बीच संबंध खोजने के लिए डॉ. एलियास 40 साल से भी ज्यादा समय से रिसर्च और स्टडी कर रहे हैं। समाज में डॉक्टर्स को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। माना जाता है कि बहुत बुद्धिमान और विलक्षण लोग ही डॉक्टर बन पाते हैं। डॉ. एलियास ने अमेरिका में पुरुष ट्रेनी डॉक्टर्स के बीच सर्वे में देखा कि उनमें से 45% बहुत हेयरी थे। आमतौर पर पुरुषों में 10% ही ऐसे होते हैं जिनकी छाती पर ज्यादा बाल होते हैं, जबकि डॉक्टरों में यह संख्या 45% थी। डॉ. एलियास के अनुसार यह सीधा संकेत है कि ज्यादा बाल वाले लोगों के हायर एजुकेटेड यानी इंटेलिजेंट होने की संभावना होती है। डॉ. एलियास ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बीच भी पाया कि ज्यादा बॉडी हेयर वाले लोग टॉप रैंक्स पर थे। डॉ. एलियास ने अपने एक पुराने सर्वे में बॉडी हेयर और हाई आईक्यू के बीच भी सीधा संबंध देखा था। उन्होंने हाई आईक्यू वाले लोगों की ग्लोबल सोसाइटी मेंसा के 117 पुरुषों के बीच सर्वे किया। मेंसा सोसाइटी में 140 या उससे अधिक आईक्यू वालों को ही मेंबरशिप मिलती है। डॉ. एलियास ने देखा कि मेंसा के पुरुषों में छाती पर घने बाल होने की संभावना जनरल पॉपुलेशन से कहीं अधिक थी। यही नहीं, उनकी पीठ पर भी काफी बाल पाए गए। केकी न्यूज़ में अब तक इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।